हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन ही है, लेकिन क्लास जो मेरी थी वो 1 घंटे की ही थी, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका रिटन टेस्ट देकर आता हूँ। तो यहाँ से वो कुछ 24-25 किलोमीटर है जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे और मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं जब हम रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं। तो ये वीडियो मैं पार्ट 1 बनाऊंगा लाइसेंस के लिए, और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बताएंगे कि जो ट्रायल है, जो गाड़ी चलवा कर देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेकर ही आया हूँ, जो भी वो मांगेंगे मैं वो उनको दे दूँगा। तो देखते हैं क्या कुछ चाहिए होता है। हम पहुँच गए हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफिस, तो देखते हैं अंदर क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा अगर हो सका। ये है ऑफिस के अंदर का व्यू। इधर साइड पे काउंटर बने हुए हैं, काफ़ी हैं, और सबसे पहले हम यहाँ आकर एक स्लिप लेते हैं। जैसे ये है EH461, ये मेरा स्लिप का नंबर है, और फिर हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं। और जैसे वो देखो स्क्रीन लगी हुई थी, उस पर हमारे ये नंबर शो होता है और आगे लिखा होता है कि इस नंबर काउंटर पर आप जाओ। मेरे स्लिप नंबर के आगे काउंटर नंबर 3 आया था, तो मैं यहाँ पे आया। इन्होंने मेरा एक तो एड्रेस प्रूफ लिया है, एक मेरा ATM यहाँ का, एक मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और एक हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है वो इन्होंने लिया है। ये फीस स्ट्रक्चर है यहाँ का, जो भी लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं यहाँ पे। एड्रेस प्रूफ में आप ना यहाँ पे वो दे सकते हो, जैसे मैंने मेरा डेबिट कार्ड आया था ना जो कॉमनवेल्थ बैंक ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके साथ एक लेटर भी आया था, तो उस पर मेरा एड्रेस मेंशन था, तो मैंने वही दिया है यहाँ पे। मेरा अभी रिटर्न टेस्ट बुक हो गया है, तो टेस्ट के बाद देखते हैं क्या होता है। मेरा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर है और आगे ये पड़ी हुई है मेरी आंसर शीट। अभी जो है वो देखो, वो सर मेरा टेस्ट चेक कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चन होते हैं, हम जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें से एक गलत कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट 20 होते हैं उसमें हम 2 गलत कर सकते हैं, लेकिन 27 जो है वो हमारे सही आंसर होने चाहिए। अगर हमारे 26 आंसर भी ठीक होंगे ना, तब भी हम फेल ही होंगे, 27 ही चाहिए सही आंसर। चलो मानो आपने 27 ठीक कर दिए, लेकिन आपने जो पहले 10 थे उनमें से आपने 2 गलत कर दिए, तो भी आप फेल हो जाओगे। और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, अगर उनमें से आपने 3 गलत कर दिए तब भी आप फेल। मेरा टेस्ट है जो वो पास हो गया है, मेरे 29 आए हैं नंबर, तो बहुत खुशी हो रही है। और पास होने के बाद उन्होंने मुझे ये देखो, ये एक रेफरेंस नंबर दिया है, और इसके पीछे एक ये देखो नंबर लिखा हुआ है, और इस नंबर पे हम कॉल करके अपना जो ट्रायल है वो बुक करवा सकते हैं, जो हमने गाड़ी चला कर दिखानी है ना इनको। तो वो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ की जो एक बार चलानी सीख लूँ यहाँ पे, फिर मैं टेस्ट लूँगा। ऑटो या मैनुअल किसी भी गाड़ी पे आप दे सकते हो। अगर आप मैनुअल का देते हो ना तो आप ऑटो भी चला सकते हो, लेकिन अगर आप ऑटो पे देते हो जो ऑटो कार है ना, तो सिर्फ हम ऑटो ही चला सकते हैं, लेकिन मैनुअल का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनता है यहाँ पे। तो आप देख लेना आपने कौन सा बनवाना है। 30 में से मेरे 29 आए हैं, एक हो गया गलती से, चलो वो तो ठीक है। लेकिन हाँ, अभी जो इन्होंने मुझसे लिया था वो था एक तो मेरा यहाँ का जो था डेबिट कार्ड, और क्या था, हाँ माय पासपोर्ट, एंड मेरा इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो लिया इन्होंने, एंड $27 फीस लगी है एक बार टेस्ट देने के लिए। तो अगर हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो हमको सिर्फ एक बार ही फीस भरनी होती है, और फिर चाहे हम जितनी मर्जी बारी फेल हों तो हम अगेन एंड अगेन वो टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे, जैसे अभी मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस आया हूँ और टेस्ट दिया है मैंने, तो अगर हमें ऐसे देते हैं तो हमें अगर फेल हो जाते हैं तो बार बार हमें डॉलर यहाँ पे भरने पड़ेंगे। तो ये भी बेटर है कि हम ऑनलाइन दें, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए कोई करता नहीं है वो। बट अगर आप सोचते हो कि आप फेल हो जाओगे, तो अगर फिर से पैसे नहीं भरने तो ऑनलाइन आप कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी कंट्री का पहले वाला जो लाइसेंस नहीं भी है ना, तब भी आप यहाँ पे लाइसेंस बनवा सकते हो। बस होता क्या है कि आप यहाँ पे फिर वो शुरू से शुरू करते हैं, जो वो प्लेट सिस्टम होता है, L प्लेट, P प्लेट। लेकिन अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है तो आप यहाँ पे कार का पूरा फुल लाइसेंस बनवा सकते हो। और अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में आ रहे हो, तो मैंने
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो कर सकते हैं पहले से ही, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है ना, रोड रूल टेस्ट, वो जनरल टेस्ट को जो होता है ना, वो आप कर लेना, लिंक मैंने डाल दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।